आप सभी का स्वागत है मेरे नए 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 व्लॉग में। तो गाइस मैं जा रही थी बैंक, कुछ काम था पर वो काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं था, दीदी का काम था। मैं आ गई हूँ मुलुन चेकनाका के पास में, सॉरी चेकनाका भी नहीं है, ये हमारे थाने में जो 16 नंबर है वहाँ पे गई थी मैं बैंक के काम से। फिर मैं घर पे आने के बाद यहाँ पे मैं पापड़ फ्राई किया हुआ खा रही हूँ। किस किसी को वो भूजे हुए गैस पे ऐसे ही नॉर्मल पापड़ पसंद है, लेकिन मुझे तला हुआ पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर शाम को आने के बाद मैं यहाँ पे खा रही हूँ दाल चावल, क्योंकि दाल चावल दोपहर में, अगर सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे बनता तो मुझे खाने को नहीं मिलता, तो मैं शाम के टाइम पे खाती हूँ। ये हमारी किटी मैडम है जो कि डेली आके पूरा टाइम परेशान कर देती है, इसको मैं यहाँ पे रोटी खिला रही हूँ। पर आजकल मैडम रोटी बिल्कुल नहीं खा रही है, आजकल इनको बिस्किट चाहिए बट दूध चाहिए। और फिर बर्थडे की तैयारियां चालू हो गया है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे मैं अपना खुद का आईब्रो कर रही हूँ, लेकिन आपको मतलब तो थोड़ा बहुत शो कर रही थी क्योंकि तो यहाँ पे और आज 29 है, मैं आज के दिन ये वीडियो अपलोड करूँगी। तो आज मेरा एक छोटा सा बर्थडे वाला पार्टी हो ही गया है, क्योंकि ऑफिस में आज ही हमने सेलिब्रेट कर लिया मेरा बर्थडे। फिर यहाँ पे मैं अपना रात के टाइम पे खाना पीना खाने के बाद मैं यहाँ पे अपना आईब्रो कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया गाइस। थोड़ा बहुत नहीं हो पाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे है शाम के टाइम पे, बहुत ज़्यादा मुंबई में बारिश, तो यहाँ पे हमारे घर में बन रहा है गाँव का फेमस लिट्टी चोखा। तो यहाँ पे एकदम ऑथेंटिक टाइप का बन रहा है, तो भाभी ने यहाँ पे सब तैयारी ऑलमोस्ट कर दिया था जब मैं घर पे आई थी। तो यहाँ पे चना, जो भूजा हुआ चना है उसको पीस लिया है, उसके बाद उसमें धनिया मिर्चा और प्याज लहसुन सब कुछ डाल के, जीरा तेल, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, हमने सरसों का तेल डाला था, और सब कुछ मिक्स कर लेना है। और अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू भी, नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर बहुत से लोग आम का जो अचार होता है उसका वो डालते हैं, अचार का मसाला, पर आपके ऊपर है, सब कुछ डिपेंड करता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और वो ना जो हमारा लिट्टी होता है उसके अंदर इसको हम मिक्स कर मतलब डालते हैं। सब कचौरिया में आलू भरते स्टफिंग करते, वैसे हमें ये जो बेसन का आटा है इसमें जो हमने सब कुछ मिक्स किया है ये स्टफिंग हमको भरना है। यहाँ पे भाभी सरसों का तेल मिक्स कर रही है, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। और मैं भरता मैं बनाऊँगी, जो चोखा होता है लिट्टी चोखा बोला जाता है, तो उसका जो चोखा है मतलब कि बैगन का भरता, आलू का भरता, वो मैं बनाऊँगी। इसमें हल्का सा नमक भी डालना है, मैं भूल गई थी बताने को, इसमें नमक भी डालना है क्योंकि स्वाद तो उसी से आने वाला है गाइस। तो यहाँ पे नमक मिक्स कर लिया, प्याज मिक्स कर लिया, मिर्ची मिक्स कर ली है, जीरा मिक्स कर लिया है, नींबू का रस, और यहाँ पे जो बेसन हमने घर पे ही पीसा था, बेसन मतलब कि चने का जो भूजा, चना भूजा हुआ रहता है उसका आटा, तो वो सब मिक्स कर लेना अच्छे से। उसके बाद आगे का प्रिपरेशन में आपको बताऊंगी क्या है। वो गेहूं के आटे में हम भरते हैं, इसको चकई करके अच्छे से गोला गोला, उसको कुछ जैसे भाभी भर रही है वैसे ही भरना है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता। मैंने 2-3 बार ट्राई किया पर मैं नहीं कर पाई। ये जो लिट्टी चोखा की रेसिपी है इसमें बहुत एक चीज़ खास बात है जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सारा हमने स्टफिंग पहले करके भर लिया है, मैं भी ट्राई कर रही थी पर मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा था, फिर मैंने उनको चकई कर करके दिया, वो फटाफट बनाई और मैं यहाँ पे उनको गोला गोला करके दे रही थी। हम दो ही जन थे और घर में बाकी सब थे, लेकिन और बारिश बहुत ज़्यादा है मुंबई, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कॉमेंट करो, और आपके रिश्तेदार, आपकी बहन भाई बहन जो भी है उनको शेयर करो, और आप लोग ठीक है ना तो प्लीज़ यहाँ पे वो भी बताना, और कमेंट करना, बताना कि आप लोग बताते नहीं हो, बताओ मुझे कि आप लोग ठीक हो ना। और यहाँ पे मैं भरने की ट्राई कर रही हूँ, मेरा फट गया था क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं आता। कुछ कुछ काम मैं कर लेती हूँ खाना पीने में भी, पर कुछ कुछ काम नहीं भी कर पाती, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। और मैंने 2-3 बनाया भी था लेकिन इतना अच्छा नहीं बना था, तो यहाँ पर हम दोनों मिल के बना रहे थे, लेकिन मैंने पूरा सपोर्ट किया था उनको, क्योंकि मुझे ना ये कुछ नया था जो कि हमारे घर में बहुत जल्दी नहीं बनता। लास्ट टाइम दीदी ने बनाया था, बड़ी वाली दीदी ने, और अभी आज भाभी बना रही है बहुत टाइम बाद, और मैं उनको देख रही हूँ वो कैसे बना रही हैं, और वो मुझे सिखा रही थी बहुत अच्छे से, और मेरे दो हम दोनों ने मिल के कोशिश किया। उसके बाद सब कुछ होने के बाद यहाँ पे एक कढ़ाई में पानी लेना है, उसमें तेल डालना है, और उसमें हल्का सा नमक भी डालना है गाइस। ये बहुत स्पेशल चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पहली बार लाइफ में ये चीज़ देखी है, पहली बार कि इस तरह से पकाया जाता है लिट्टी को, पहली बार।
इसका खास रीज़न ये है, इसको अच्छे से उबाल देंगे पहले पानी को, इसका खास रीज़न ये है कि इसमें जो हम लिट्टी को हम तलेंगे बाद में, अगर आप इसमें पहले बॉईल कर लोगे, इसमें पका लोगे, इसको भाप दे दोगे, तो वो तेल को बहुत ही कम ऑब्जर्व करता है, उसमें बहुत कम तेल लगते हैं, इसलिए आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो कितना ज़ोर से ये बॉईल हो रहा है, उबल रहा है ये पानी। अब इसकी बात आती है कि हम इसमें अपने सारे जो लिट्टी बनाए हैं उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको कुछ टाइम तक पकाना है, अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद उसको निकाल के थोड़ा सा सुखा लेंगे, क्योंकि तब तेल में आप तलोगे अगर वो गीला रहेगा तो वो तेल आपके ऊपर आ सकता है, ये बहुत रिस्की हो सकता है। इसके लिए उसको अच्छे से पहले इसमें अच्छे से पका लेना है, उसके बाद उसको निकाल के एक थाली में सुखा लो, उसके बाद उसको तेल में तलो। इससे आपका लिट्टी बहुत अच्छा होगा, तेल बिल्कुल नहीं सोखेगा, मतलब उसको ऑब्जर्व नहीं करता, बहुत ही हल्का फुल्का तेल रहता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत पहली बार मैंने ये चीज़ देखी लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे और काफ़ी अच्छा है ये। और यहाँ पे आ गई है हम, मम्मी यहाँ पे भाजी भाजी काट रही है और बैंगन की भरते की तैयारी मुझे करनी है, और ये कीटी हमारी आगे पीछे पूरा टाइम परेशान करती है, पूरा टाइम अभी भी देख सकते हो कितना परेशान करती। मैं आते ही जैसे मैंने एंटर किया घर में, वैसे ही वो घुस गई और मैंने उसको बिस्किट भी दिया, फिर भी अभी भी उसको चैन नहीं। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है, हम उसको अभी तेल में पका रहे हो, आप देख सकते हो कढ़ाई में बहुत कम तेल है और बिल्कुल भी तेल ख़राब नहीं हुआ था। पिछली बार मैंने जो वड़ा पाव वाली रेसिपी बताई थी उसमें तेल मेरा ख़राब हो गया था, लेकिन यहाँ पे आज भाभी बना रही है तो उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया था और तेल बिल्कुल मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा भाभी का क्लिप दिखा रहे चोरी चुपके से, उनको नहीं पता थे, उनको बिल्कुल नहीं पता चला, लेकिन अभी ये ब्लॉग तो वो देख ही लेंगे, उनको मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी दिन बाद मैं ऐसे आप सबके साथ में बात करती और ब्लॉग शूट किया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करना फटाफट से कि आपको कैसा लगा। यहाँ पे ऑफिस से आने के बाद मैंने ब्रश वेंज नहीं किया था, बस कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने जो उबाले हुए जो लिट्टी थे उसको निकाल के थाली में फैला दी है, और साथ ही साथ एक साइड में भाभी यहाँ पे जो सूख गए हैं वो लिट्टी को यहाँ पे वो तेल में तल रही हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत सच में गाइस बहुत अच्छा बहुत अच्छा बना था, आप लोग भी ट्राई करना ऐसे, बहुत अच्छा बना था। और आप यूपी के नहीं हैं, बिहार के नहीं हैं, तो भी ट्राई करना, आपको भी अच्छा लगेगा, सच में बहुत अच्छा बना था, इसके लिए बोल रही हूँ। यहाँ पे हमारा लिट्टी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्रंची था, बहुत सॉफ्ट था, और यहाँ पे भाई तोड़ रहा है, ये मुझे लग रहा है जो मैंने बनाया था ना पक्का वही वाला है, क्योंकि इसका जो वो जो लिट्टी मतलब गेहूं का जो वो गोला होता है वो थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा है, लेकिन बहुत 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 अच्छा बना था गाइस, आप लोग भी ट्राई करना और मेरी भाभी को थैंक यू बोलना अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको ये क्रेडिट। ये जो ट्रिक था ना बहुत अलग है, मैंने पहली बार देखा है लाइफ में कि पानी में ऐसे बॉइल करते हुए गाइस, इसके लिए बोल रही हूँ। और यहाँ पे हम बड़े मज़े से हम तीनों जन, मैं तो भाभी तो बाद में खाई, लेकिन हम तीन जन थे, पापा मैं भैया, तो हम तीनों मिल के खा ही रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा था। हम यही सब डिस्कस कर रहे थे क्योंकि बहुत टाइम बाद, क्योंकि मुंबई में ये सब चीज़ें जल्दी घर पे बनाना पॉसिबल नहीं होता गाइस, तो यहाँ पे बस हम खा रहे मज़े ले रहे और बस यही बोलना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और इसके पहले एक कोई तो था, मुझे उनका सॉरी भैया जो भी है उनका नाम नहीं याद है, तो उनको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा था, उन्होंने मुझे कमेंट किया था पिछले वाले ब्लॉग में, तो उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे कॉमेंट किया, दिल से थैंक यू। और मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको थैंक यू जो मुझे देखते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ हमने चिप्स और यहाँ पे मक्का पोहा वो ट्राई किया था। यहाँ पे मेरी बहन भी उनको ज्वाइन कर चुकी है, मस्ती हमारी चालू हो चुकी है। बारिश बहुत था ना, बहुत ज्यादा है बारिश मुंबई में। गाइस आपके यहाँ बारिश है? अरे वाह, मैं अच्छी ब्लॉग बन सकती हूँ। बारिश नहीं हो रहा है?
चालू की है, ध्यान देना। यहाँ पे यूज करूंगी मैं सरसों का तेल, क्योंकि पूरा ऑथेंटिक वाला हमारा लिट्टी चोखा है। तो हेलो, लेके आओ मैडम। हेलो, ये कराई काला हो गया है हमारा, तेल ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है, कम करूँ? अरे नहीं चलेगा, ज्यादा वो तो नहीं लगेगा ना, इसीलिए थोड़ा सा। एलो यार जरा वीडियो बनाते हैं। आप बनो बनो भाई, हमारे लिए इसका फोन चालू है। सरसों कुछ जीरा भी नहीं ना? ए, वीडियो चालू, जीरा नहीं सर। सरसों से भुजिंग अच्छा लगा था? नहीं ना, जाने दो, कांदा चोखा में जीरा नहीं डालते ना ही सरसों, हम लोग ऐसे डालेंगे। और इतना ये देखो मिर्चा कितना खिला रही है, ये और देखो मिर्चा कितना खिला रही है। मस्ती मस्ती मैं ब्लर कर दूंगी आपको, ज्यादा हो गया, एक ही डालो तब ना। अरे यार नेटवर्क नहीं छे। हेलो हेलो, ब्राइटनेस है। हेलो एले आ, एलो यार इधर से आप पकड़ो ना, बस छोटी बनावट है इनका, बोल रही इधर ऐसे पकड़े रहो तो इसको दिखाओ बरखा को। हेलो चालू है ना अभी, टाइम शो करेंगे। मैं दिख रही हूँ क्या बात, दिख रही है कि नहीं दिख रही हूँ? हाथ हो यार ऐसे लम्बा से, थोड़ा सा पास में देखो, पास में कढ़ाई के पास देखो। आ जाओ ये तो सही बना, कोड़ा दिन ना डाल दूँ, डाल बना। अभी पहले बोलते अभी तो कौन लाल होगा, वो लाल हो जाए तो नहीं होगा, प्याज लाल करो थोड़ा उरी तो लाल हो, प्याज लाल करो ना पक्का। चूना डाल देती हूँ, भिजिया पहले लाल करो, ये जल जाएगा। हाँ प्याज पहले लाल करो, बस को बंद कर दो, बंद कर दो। और मैंने जैसे कि भाभी को बोला था कि भरता मैं बनाऊंगी, लेकिन हुआ अच्छा नहीं बना अच्छा हमने शायद, क्यों? क्योंकि ना मुझे ना बॉयल किए हुए जो आलू बैगन थे वो नहीं चाहिए था, मुझे वो भुजे हुए चाहिए थे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि बहुत टाइम हो जाता। तो हमने कुछ ऐसे बॉयल करके फिर ऐसे फ्राई करके भरता बना दिया है, बहुत ही सिंपल वाला था। और हमारे घर में थोड़ा ऑयल कम खाते हैं गाइस, तो इसके लिए आपको मेरे साथ भरते में तेल बहुत कम लगे। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है भरते में तेल पूरा उसका लेयर होता है, पर हमारे घर में तेल बिल्कुल नहीं जमता किसी को, बस सिंपल वाला ऐसे बना लिया। कांदा मिर्च और धनिया डाला था, उसको पहले फ्राई किया, साथ ही साथ वो करौड़ी होता है जो मुझे शायद से बोलना भी नहीं आता सही से, वो सब डाल के अच्छे से फ्राई करके इसको यहाँ पे पका लिया है, बस यही था। और हमारे किट्टी ने हमें वापस से मतलब ना पूरा टाइम वो घर में यहाँ वहाँ घूमती रहती और पूरा टाइम परेशान करके रखती है। आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और